बोले मैम क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? देखिए कार्यक्रम बहुत अच्छा है और जो हमारे आने वाले पीढ़ी है विद्यार्थी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये कार्यक्रम मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से आप पायलट साहब को याद करते हैं जिनकी एक सोच थी, जिन्होंने टेलीफोन के डिब्बों को आज मोबाइल में बदल दिया। ये उनके टाइम का, राजीव गांधी और उनके टाइम का एक वो कार्यकाल था जब ये सब हुआ। तो मैं समझती हूँ कि दीपक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी और बधाई भी दूंगी कि वो एक इतना सफल कार्यक्रम हर साल करते हैं, उसमें सबको बुलाते हैं और लोगों का इंटरेक्शन कराते हैं। जैसे ये बच्चे जो आगे आ रहे हैं, इनको जब प्रशस्ति पत्र मिलता है तो इसके देख के इनके और हौसले बुलंद होते हैं कि हमें और भी कुछ ऐसा करना है जिससे हम और आगे जाएं। और ये तो होते ही हैं, लेकिन साथ में जो देखने वाले बच्चे उनकी भी हौसला अफजाई होती है कि अगर हम भी कुछ ऐसा करेंगे तो हमको भी मंच पे बुलाया जाएगा और ये सब होगा। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सफल और बहुत सुंदर कार्यक्रम। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है लेकिन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पा रहा। सरकार भी कई दावा करती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तमाम दावे होते हैं लेकिन कहीं लागू नहीं हो पाती है। देखिए हम सशक्तिकरण की बात तो करते हैं और सशक्त करना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के क्या इलाज है? वो संसाधन भी तो उनको देने पड़ेंगे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन पे जाके भी महिला को बड़ा टॉर्चर सहना पड़ता है। ये सब जो है महिला डेस्क, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सब मैंने मेरे टाइम करवाए थे, लेकिन फास्ट ट्रैक्स की कोई पता नहीं, कोर्ट्स का कोई पता नहीं है कि एक एक फैसला 15-15 साल पे चला जाता है, तब तक महिला भी तड़पती रहती है और हस्बैंड उस पर राज करता है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बूँद तब आती है कि जब ससुराल वालों का पक्ष पुलिस करने लग जाती है। आखिर क्यों? मैं ये भी नहीं कहती कि हमेशा पुरुष ही गलत होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार होते हैं उनको बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया, मैंने जैसे आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, मामला तो हो जाता है, कई बार दर्ज भी नहीं होता। अभी हाल ही में महिला रेस्लर की बात थी, मामला दर्ज नहीं हुआ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, फिर उसमें कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुधार की ज़रूरत है। तो इस तरह की तमाम कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी देखा जाता है। नहीं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन इन ऐसे इश्यूज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनमें भी राजनीति करेंगे तो मैं समझती हूँ कि कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा। इनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और न्यायोचित जो भी हो वो काम होना चाहिए। मैम जिस तरह से आपने तमाम जब आप थी बहुत पहलू उठाए, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवधान किया, मतलब एक जो है प्लेटफॉर्म तैयार करी, आज उस पर चलते हुए लोग कम दिखाई दे रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर जो आपने तैयार किया। देखिए ऐसा है कि जब प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है फिर उसको फॉलो भी करना पड़ता है, उसको बढ़ाने के इलाज भी करने पड़ते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि कमीशन, चाहे स्टेट कमीशन हो चाहे नेशनल कमीशन हो, बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। और जब आप प्रोएक्टिव होगे तभी आप महिलाओं को न्याय दिला पाओगे। ना महिला ट्रेन में सुरक्षित है, ना महिला बस में सुरक्षित है, ना महिला कार पे, साइकिल पे, ना अपने घर में, ना स्कूल में, ना दफ्तर में, आखिर कहाँ जाए वो? चार तरफ से जब उसको घेर लिया जाता है तो कुछ बोलने लायक नहीं रहती। इसलिए मैं यही कहूँगी कि कोई सी भी गवर्नमेंट आए, एक तो आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, 33-50% मिलना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी से हूँ इसलिए मैं कहूँगी कि संगठन में भी महिलाओं को आगे लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनका उत्थान हो सके, ताकि वो आगे काम कर सके। क्या मैसेज रहेगा आज? आज का मैसेज यही है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको और आगे लाने के प्रयास करने चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो अडानी और अंबानी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिनके पास पैसा है वो बच्चों को आगे से आगे प्रमोट करें, उनकी शिक्षा के लिए प्रमोट करें, उनके खेलों के लिए प्रमोट करें, तभी जाके कुछ गरीब का कल्याण हो पाएगा। और गरीबों में इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि उनको निकलने का मौका नहीं मिल रहा, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको आगे लाने के लिए बड़े बड़े लोगों को, जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, आगे आने चाहिए। आपने बाबा रामदेव को भी टारगेट किया? बिल्कुल किया, वो गलत था। उन्होंने जो कहा कि हमने एक ऐसी दवा निकाली है कि जिससे लड़का ही पैदा होगा, ये बर्दाश्त काबिल नहीं था। और इसलिए नहीं था कि अगर कन्या नहीं तो दुनिया नहीं, उनके लिए तो दोनों बराबर हैं, हमारे लिए जब सब बराबर हैं। और वो तो पहुँचे हुए योगिक गुरु हैं, योग गुरु, हाँ योग गुरु, उनको चाहिए कि ऐसी बातें ना करके और दोनों को प्रमोट करें। तो ये थी ममता शर्मा जी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं रही और विधायक भी, तमाम मुद्दों पर बेशक बेबाक से बोलती हैं और कोई भी सामाजिक जब ऐसी बात होती है हर कार्यक्रम में ये अपना समय देते हैं।